अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं चिकन बनाऊँगी। ये हमने लेग पीस वाला चिकन मंगाया है, खाली इसमें लेग पीस है और कुछ भी नहीं है। ये हमने 5 प्याज काट लिया है, 6 प्याज मैंने काटा है मीडियम साइज़ के, इसको गोलाई में काट के रख लिया है इसे। ये हमने लहसुन कूट लिया है, लहसुन और जायफल। ये कुछ 6-7 मैंने काजू लिया है, इसको भी 20 से 2 कर लिया है। इसी लहसुन में अभी कूट लेते हैं। आज हम काजू डाल के बना रहे हैं चिकन नए तरीके से। आप लोग बने रहना हमारे चैनल पे। चलते हैं गाइस, इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए गाइस, कढ़ाई हमारी सूख गई है, मैंने चढ़ा दिया था गैस पे। और इसमें तेल डालते हैं सबसे पहले। देखिए गाइस, तेल हमारा गर्म हो गया। अब प्याज डाल देते हैं इसमें। देखिए गाइस, प्याज हमारा हो गया है, इसको ज़्यादा डार्क नहीं किया है, गोल्डन। मैं डाल देती हूँ चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चिकन को डाल दिया है, अब इसको चला देते हैं। अच्छे से प्याज में मिक्स कर देते हैं। देखिए गाइस, मैंने चिकन को प्याज में भून लिया है। अब इसमें लहसुन अदरक, ये जो मैंने पेस्ट बनाया था काजू का, ये भी डाल देती हूँ। लहसुन अदरक इसमें मैंने उसी में सारा डाल के कोट लिया था। जायफल, लहसुन अदरक, काजू। इसको मिला देते हैं अच्छे से। ये हमने मसाले ले लिए हैं, ये भी डाल देते हैं। ये लाल मिर्च पाउडर है, ये धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, ये गरम मसाला है 1 चम्मच, आधा चम्मच। ये काली मिर्च है कुछ 8-10, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3-4 तेज़पत्ते हैं। मैंने 20 से तोड़ लिया है, 2 तेज़पत्ते मैंने तोड़ा है। डाल देते हैं सारा चीज़ इसी में। ये 3-4 लौंग हैं, ये जोतरी है, ये भी डाल देते हैं। और इसको चला देंगे अच्छे से, मसाले में भूनेंगे। फिर इसमें दही डालेंगे, दही डाल के भूनेंगे। देखिए गाइस, इसको मसाले सारे डाल के मैंने भून लिया अच्छे से। अब इसमें दही डाल के भूनते हैं। थोड़ा सा दही डालूंगी मैं। इसको भूनेंगे गैस को हाई करके अच्छे से। कलर आ रहा है अच्छा इसमें, माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है कलर। मैंने काजू डाला है इसलिए कलर बहुत अच्छा बन रहा है इसका। देखिए गाइस, अब इसमें नमक डाल रहे हैं हम। पहले नहीं डाला था, नहीं तो चिकन हमारा गलना शुरू हो जाता है नमक पड़ते। इसको अच्छे से भून लिया है। मैं 2 चम्मच नमक मैंने डाला है।
देखिए गैस, मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया सारा मसाला डाल के। अब इसको ढक देते हैं, गैस को धीमी कर दूंगी, इससे लो गैस पे पक जाएगा। देखिए गैस, मैं चिकन को चेक कर रही हूँ, इसका ढक्कन मैंने हटा दिया है, देखते हैं गल गया है या नहीं। इसको मैंने 5 मिनट के लिए ढक दिया था, धीमी आंच पे छोड़ दिया था, ये गल गया है। थोड़ा सा भून लेते हैं, बस इसमें थोड़ा सा सालन लगाऊंगी मैं, हल्का सा बिल्कुल। इसमें मैंने टमाटर नहीं डाला है, खाली दही डाला है। माशाल्लाह, इसका कलर कितना बढ़िया आया है। ये शादियों में जैसे बनता है ना डेग में, उसी की तरह बिल्कुल कलर आया है। थोड़ा सा भून लेते हैं, ये दही का पानी छूटा था उसी में ये गला हुआ है, जो थोड़ा बहुत कसर रह गया तो वो भी गल जाएगा। पानी हल्का सा लगाऊंगी। देखिए गैस, इस चिकन हमारा भुन गया है बहुत अच्छे से, ये गल गया है। अब हल्का सा मैं पानी डाल देती हूँ इसमें, बिल्कुल थोड़ा डालूंगी। ज़्यादा नहीं डालूंगी, चिकन हमारा बिल्कुल गल गया है। बिल्कुल शादियों वाला सालन बन के तैयार हुआ है माशाल्लाह। इसको खुला ही रखूंगी, ढकूंगी नहीं, हल्का सा सालन हमारा बलक जाए, बस गैस को बंद कर दूंगी। देखिए गैस, सालन हमारा बलक गया है। अब इसमें थोड़ी सी मैं हरी धनिया डाल देती हूँ ऊपर से, बिल्कुल हल्की सी। इसको चला देते हैं, मैंने धनिया डाल दिया है, इसमें हरी मिर्च मैंने नहीं डाला है, हरी मिर्च नहीं डालूंगी। बहुत अच्छे से चिकन हमारा गला है, बोटियाँ इसकी टूट रही हैं। अब गैस को बंद कर देते हैं, ये तैयार हो गया है। देखिए गैस, चिकन हमारा बन के तैयार हो गया है, बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह। इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, आप लोग ज़रूर बना के खाना इसी तरीके से, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।